गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को आपके षष्ठ पाठ अस्माकं प्रिय देशस्य उसका नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया है, आप लोग अपना वीडियो देख लीजिएगा। मैं रीडिंग करती हूँ पहले, फिर आप लोगों को समझाऊंगी साथ के साथ। भारतस्य उत्तर दिशाया पर्वत राज हिमालय विद्यते। इयम उत्तरम दिशाया प्रहरी इव भारतम रक्षति। हिमालय भारत देशस्य समृद्धि अस्ति। हिमालयात् एवं नद्य निश्रन्ति। देशस्य विशालं भूभागं सिञ्चन्ति। अनेक कारणे भूमे शस्य श्यामलां भवति। अन्नस्य उत्पादने नदीनां महत्वं भवति। देखिए, भारत उत्तर देश, जो भारत देश है उसके उत्तर दिशा में जो पर्वतराज हिमालय विद्यते, पर्वतराज हिमालय विद्यमान है, स्थित है वहाँ पे भारत के उत्तर दिशा में, ठीक है। इयम उत्तरम दिशायां प्रहरी इवम भारतम रक्षति। और जो यह पर्वत है वो भारत की उत्तर दिशा की रक्षा करता है। हिमालय भारत देश से समृद्धि अस्ति। जो हिमालय पर्वत है वो भारत देश की क्या है, मान सम्मान है, समृद्धि है। हिमालयात एवं नद्यस निश्रंति देशस्य विशालं भूभागं सिञ्चन्ति। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं वो भारत के अनेक देशों में, सॉरी, भारत के अनेक भूभाग में, विशाल भूभाग में वो भारत के खेतों को, मैदानों को सींचती है। भारत जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो भारत के भूभाग को, विशाल भूभाग को अपने पानी से, अपने जल से सींचती है। अनेक कारणे भूमि श्याम भवति। अन्नस्य उत्पादने नदीनां महत्व भवति। और इसी कारण से जो जल से सींचा जाता है, इसी कारण से जो धरती है हमारी हरी भरी रहती है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, शस्यलाम, इसका अर्थ है हरा भरा। जो हमारी धरती का भूभाग है वो हरा भरा है इन्हीं जल के कारणों से, और अनेक अन्न उत्पादन होते हैं, फल उत्पादन होते हैं इन्हीं नदियों की वजह से, इसीलिए इन नदियों का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में रीडिंग कर रही हूँ। भारतस्य प्राचीन नाम आर्यावर्त आसीत्। भारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, आर्यावर्त, ठीक है। ये अंडरलाइन करेंगे आप। पूरा काले दुष्यंतो नाम राजा अभवत्। तस्य पुत्रः भरतः महान वीरः आसीत्। पुराने जब पहले के कुछ समय में पहले एक राजा हुआ करता था, क्या नाम था उसका, दुष्यंत नाम था उसका। तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, ठीक है। तस्य नाम अस्य देशस्य नाम भारतम जानम। अतः भारत देश अस्माकं प्राणे अपि प्रिय। भारत देश अस्माकं मातृभूमि अस्ति। इसीलिए जो उसके पुत्र का नाम भरत रखा गया, इसीलिए उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, भारत के नाम से उसको जानने लग गए। अतः भारत देश अस्माकं प्राणे, और जो हमारे हमारा भारत देश है हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, भारत देश हमारा, हमारी मातृभूमि है। तो इस चैप्टर में यही है कि जो हमारा प्रिय भारत देश है उसकी गुण इसमें बताए गए हैं कि उसके उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है, उससे निकलने वाली नदियों के क्या उपयोग है, क्या महत्वता है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे और समझेंगे, जो नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को एक्सरसाइज का जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।